YouTube चैनल। आज का वीडियो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कभी ना कभी हम सबके दिमाग में आता है, हमको थोड़ा कहीं ना कहीं बॉदर करता है, विच इज़ अबाउट हाउ टू लूज आर प्रेगनेंसी वेट। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, मैं अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि ये पहला ऐसा वीडियो है जिसमें मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रही हूँ। मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगी डिटेल इंट्रोडक्शन के साथ, बट जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड, मेरा नाम प्राची है। मैं एक 18 महीने के बेबी बॉय की मॉम हूँ और मैं एक वर्किंग मदर हूँ। मैं एक फुल टाइम 9 to 6 जॉब में हूँ। तो ये था मेरे बारे में। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले दो चीज़ें, एक तो जो हम वेट गेन करते हैं प्रेगनेंसी में, वो दो तरह से हमको इम्पैक्ट करता है। एक तो जो नॉर्मल केजीज आप पुट ऑन करते हो, और दूसरा आपका बॉडी विल चेंज अ लॉट। आपके बेली पे ज़्यादा फैट आ जाएगा, लोअर बेली पे फैट होगा, योर ब्रेस्ट विल चेंज। तो ये सारी चीज़ है। अब जो डाइट है वो मेजरली आपको हेल्प करता है वेट लूज करने में, और टू एन एक्सटेंट एक्सेस फैट लूज करने में, बट जो फाइनल टोनिंग है वो आपको एक्सरसाइज से ही अचीव होगी। बट अगर आप पहले अपना वेट लॉस कर दे तो आपको मोटिवेशन भी ज़्यादा आ जाएगा और आपके लिए आसान भी हो जाएगा ये एक्सरसाइज वाला, टोनिंग अप वाला पार्ट करने के लिए। दूसरी चीज़, मैं कोई डाइट एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड डाइटिशियन और अ न्यूट्रिशनिस्ट। मैंने भी एक प्रोफेशनल की हेल्प ली थी, एंड जो भी मैं इसमें शेयर करने जा रही हूँ वीडियो में, दैट इज़ ऑल बेसिस माई एक्सपीरियंस। एंड इसमें से मेजर सारे टिप्स आर जेनेरिक, तो आई होप कि आपको ये हेल्प करे। मेरा प्री प्रेगनेंसी वेट था क्लोज टू 56-57 kgs। बाय द टाइम आई डिलीवर्ड आई वॉज अराउंड 70 kgs। तो मैंने करीबन 13 किलो गेन किया था, विच वॉज अ डिसेंट वेट गेन। मैं पूरा प्रेगनेंसी में एवरी डे आई वॉज प्रैक्टिसिंग योगा, मैं नॉर्मल जो वॉक्स करते हैं वो सब करती थी। तो मैंने ट्राई किया था कि मैं बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन ना करूं। सो 70 kgs वॉज वॉट आई एंडेड एट। एंड जैसे आप सब जानते हो, डिलीवरी के बाद इमीडिएटली आई लॉस्ट अराउंड 6-7 kgs, जो कि हर कोई करता है, बिकॉज बेबी प्लाज्मा वाटर वेट सब निकल जाता है। और उसके बाद आई वॉज वेरी होपफुल कि बस अब मेरे पास लास्ट के 6 या 7 किलो है, विच आई विल लूज, बिकॉज सब कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से काफ़ी वेट लॉस होता है। अनफॉर्चुनेटली इन माई केस, जबकि मैं ऑलमोस्ट टिल 6 months मैं अपने बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रही थी, बारिंग अ फ्यू टाइम्स, एंड आफ्टर दैट इनफैक्ट टिल डेट आई एम स्टिल ब्रेस्ट फीडिंग हिम अलॉन्ग विद द नॉर्मल फूड, आई लॉस्ट नो वेट। मैंने एक भी किलो कम नहीं किया ब्रेस्ट फीडिंग से, विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मुझे लगा अब होगा। और ऐसा नहीं था कि मैं बहुत कुछ खा रही थी, मैं अपने मॉम के घर पर थी, मेरा जंक फूड इनटेक एकदम ज़ीरो था। ऑब्वियसली जो नॉर्मल खाना खाया जाता है, घी खाया जाता है, बिकॉज पोस्ट डिलीवरी यू नो यू वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ योर बेबीज यू नो न्यूट्रिशन एंड ऑल, वो सब मैं कर रही थी, लेकिन ओवर ईटिंग कहीं पर भी नहीं थी। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। सो नाउ आई डिसाइडेड कि चलो लेट मी वेट इट आउट टिल 7-8 महीने, आई विल ऑल्सो स्टार्ट माई बेसिक वॉक एंड ऑल, और फिर देखती हूँ, आई एम श्योर द वेट विल रिड्यूस इवेंचुअली। मेरे को हरी नहीं करना था, बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग एंड आई डेंट वॉन्ट के इन एनी वे इट शुड हैम्पर द ओवरऑल न्यूट्रिशन फॉर हिम और फॉर मी। ओके, सो एसेंशियली आई वेटेड टिल अराउंड 8 months, आई रियलाइज कि आई एम नॉट लूजिंग एनी वेट। ओके, मैंने अपनी वॉक शुरू कर दी थी अराउंड 3 months के बाद से, आई वॉज डूइंग रेगुलर डेली वॉकिंग, आई वॉज टेकिंग केयर कि मैं क्या खा रही हूँ, मैं ओवरबोर्ड ना जाऊँ, लेकिन इट वॉज नॉट वर्किंग। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि लेट मी गो टू अ डाइटिशियन। अब डाइटिशियन क्यों? अगर आप गूगल करेंगे आपकी बेसिक नॉलेज से भी, यू नो देर आर अ लॉट ऑफ वेज टू लूज वेट एंड यू कैन फॉलो इट। बट मैंने डाइटिशियन के पास जाना क्यों सही समझा? ए, क्योंकि एज आई सेड आई वॉज स्टिल ब्रेस्ट फीडिंग। दूसरा, हम सब ने देखा है कि प्रेगनेंसी के बाद बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट, हमारा बॉडी ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट होता है, काफ़ी चेंजेस के थ्रू जा रहा होता है, एंड इफ वी डू समथिंग ड्रास्टिक एट दैट पॉइंट, हो सकता है कि हम डेफिशिएंसीज, थायराइड, ये सब चीज़ों के चक्कर में फंस जाए। तो आई थॉट कि इट्स बेस्ट टू गो टू अ प्रोफेशनल, ताकि वो मेरे यू नो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे एक डाइट सजेस्ट कर सके। वाई आई वेंट एट 9 months वॉज बिकॉज बाय द टाइम अथर 9 months का हो गया,
he was fairly established on solids. Breast feeding was only a supplement that he was taking. तो मुझे ये स्ट्रेस नहीं था, वो पूरी तरह से मुझ पे डिपेंडेंट नहीं था फॉर न्यूट्रिशन. तो अगर मैं अपना थोड़ा सा डाइट ट्वीक भी करती हूँ या रिड्यूस भी करती हूँ तो इट वोंट हार्म हिम. वी हैड रीच दैट लेवल. प्लस माय बॉडी हैड आल्सो काइंड ऑफ रिकवर्ड 9 महीने में इन अ फेयर वे. तो ये था पूरा बैकग्राउंड. अब मैं इस वीडियो में बेसिकली आपसे इन द फर्स्ट पार्ट आई विल शेयर 5 मेन टिप्स विच हेल्प्ड मी and which will help anyone. These are very basic. इसमें कोई body type, कोई work profile के हिसाब से फ़र्क नहीं है. और दूसरे part में I will share the do's and don'ts that I was following in my diet. और मैं description box में अपने first week का diet share करूँगी आप लोगों से. ये बहुत ही generic diet है क्योंकि first couple of weeks are detox और ये, but अगर आप ये भी follow करते हैं तो in the first week itself you see 1 से 2 kilo का डिफरेंस इन योर वेट. ओके, सो एक और बात जो मैं बताना भूल गई वॉज कि मैंने कितना वेट लूज किया और कितने ड्यूरेशन में किया. तो मैंने करीबन 9 किलो लूज किया इन अ स्पैन ऑफ 2 से 2.5 महीने. सो एट द एंड ऑफ द डायट आई वॉज 2 kgs लोअर देन माई प्री प्रेगनेंसी वेट. तो मेरा वजन था अराउंड 54 kgs. आज आई थिंक करीबन हो गए 9 महीने डाइट खत्म हुए हुए. आई एम ईटिंग एवरीथिंग नॉर्मली जो रूटीन डाइट होता है एंड आई हैव गेन्ड बैक 1.5 kgs विच आई थिंक इज वेरी नॉर्मल. तो टिप नंबर 1 जो हम सब जानते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते इज टू कट डाउन ऑन शुगर. सो इनफैक्ट ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ माई डाइट आई वॉज ऑन 0 sugar. जो सुनने में लगता है कि डिफिकल्ट है बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. इनफैक्ट हमारे बॉडी को जो शुगर चाहिए होती है हमको बाकी के खाने की चीज़ों से मिल जाती है. हमको एडेड शुगर की ज़रूरत नहीं है. तो आप जब भी कोई डाइट फॉलो करो इस उस ड्यूरेशन के लिए अपने डाइट से शुगर बिल्कुल हटा दीजिए. यू कैन स्टार्ट आफ्टर दैट. जब आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, वेट मेंटेन कर रहे हैं अपना, तो यू कैन स्टार्ट बेसिक जो 1-1.5 चम्मच दिन का जो आप चाय या कॉफ़ी या किसी में लेते हो या ओकेजनल जो हमारे डेजर्ट ट्रीट्स होती है. नाउ अगर क्रेविंग होता है शुगर का तो व्हाट टू डू. सो इंस्टेड ऑफ शुगर आई वॉज आस्क्ड कि हर मील के बाद यानी ब्रेकफास्ट के सॉरी लंच के बाद और डिनर के बाद एक एक पीस गुड़ का खाना है. तो उससे क्या होता है हमारी स्वीट क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई हो जाती है. गुड़ इज़ हाई इन आयरन ऑल्सो सो इट वर्क्स एंड इट्स बेटर देन शुगर. तो दैट्स अ विन विन. एंड व्हेन आई से नो शुगर इट मीन्स कोई कैंडीज नहीं खानी है आपको, कोई चॉकलेट्स नहीं खानी है, बिस्किट्स नहीं खाने हैं, च्यूइंग गम नहीं खानी है, पेप्सी नहीं पीनी है, कोई भी आइटम जिसमें शुगर हो इज अ कम्प्लीट नो नो. टिप नंबर 2 मुझे नहीं पता था ये टिप एंड इट वॉज न्यू टू मी वॉज रिप्लेसिंग माई नॉर्मल व्हीट रोटीज यानी जो हम आटे की रोटी खाते हैं उसको चेंज करके दे समथिंग कॉल्ड व्हीट ब्रान जो हस्क होता है उसकी रोटी. तो यानी आपको कम्प्लीटली उसकी रोटी नहीं खानी है. आपको 50% नॉर्मल आटा और 50% व्हीट ब्रान यूज करना है एंड ये रोटी खानी है. अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि ये जो व्हीट ब्रान होता है इज एक्सट्रीमली हाई इन फाइबर. तो उससे आपको बहुत ज़्यादा देर तक यू विल फील फुल. तो आप एक रोटी भी खाते हो तो यू विल बी डन. आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने कम खाया है. दूसरा इट इज़ हाई इन प्रोटीन. इसका ओवरऑल कैलोरीज आर लोअर देन द नॉर्मल रोटी. ये सब बेनिफिट्स भी होते हैं. इसकी वजह से जो बहुत हम लोगों को कोई भी डाइट चेंज करते हैं या इवन आफ्टर प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन ब्लोटिंग ये सारे इश्यूज होते हैं. सो व्हीट ब्रान इज एक्सट्रीमली गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो. तो इट हेल्प्स अ लॉट. सो मैंने व्हीट ब्रान बेसिकली यूज़ किया था बैगरीज का. मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी तो जस्ट इन केस यू गाइज आर इंटरेस्टेड. मैं क्या करती थी रोज़ सुबह आटा बना लेती थी 2 टाइम का मेरे लिए. मैंने एक डब्बे में अलग से अपने लिए व्हीट ब्रान और नॉर्मल आटा मिक्स करके रखा था 50-50% ताकि रोज़ अलग से मिक्स ना करना पड़े. और उसी में से निकाल के मैं रोज़ सुबह आटा बना लेती थी अपना 2 या 3 टाइम का ताकि हर बार मेरे को अलग से आटा ना बनाना पड़े. एंड इट मेड द प्रोसेस वेरी सिंपल. हर बार जब रोटी बन रही है तो आखिरी रोटी उस आटे की बन जाती थी और वो मैं खाती थी. सो यानी दिस चेंज वॉज वेरी ईजी टू इनकलकेट और इससे मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है. तो ये हो गया टिप नंबर 2. ओके, सो टिप नंबर 3 दिस टिप इज़ वेरी प्रैक्टिकल. इनफैक्ट आप डाइट पर नहीं भी हो तो यू कैन इनकलकेट दिस टू गिव अ बूस्ट टू योर ओवरऑल हेल्थ.
तो इसमें आई यूज टू फॉलो अ नो सॉल्ट डिनर डाइट 2 days अ वीक. सो व्हेन आई से नो सॉल्ट इट एसेंशियली मींस कि आप जल्दी डिनर कर लीजिए. सो आप 7 o'clock से पहले पहले अपना डिनर कर लीजिए, जो भी अ पार्ट ऑफ द डाइट है वो. और 7 o'clock के बाद यू डोंट हैव एनी सॉल्ट. यानी अगर आपको भूख भी लगती है तो आप एप्पल खाइए, दूध पीजिए, लेकिन नो सॉल्ट एट ऑल. तो इससे ब्लोटिंग और जो वाटर रिटेंशन होता है, जिससे विच इज़ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इन आर ओवरऑल यू नो पफिनेस या वेट, ये बहुत कम होगा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस विल एड अप टू अ लॉट ऑफ किलोज दैट यू एंड अप लूजिंग. टिप नंबर 4. सो दिस टिप इज अगेन सिमिलर टू द प्रीवियस टिप. हफ्ते में एक बार डूइंग अ डिटॉक्स डे. ओके, सो वॉट इज अ डिटॉक्स डे? बेसिकली आप अपने नॉर्मल डाइट से हटके कुछ ऐसा एक यू नो मील प्लान फॉलो करते हो जो कि आपके बॉडी को रेस्ट देगा मसालों तेल इन सब से. सो जो मैं फॉलो करती थी वो था एक मिल्क बनाना डाइट. सो एंटायर डे ऑल यू नीड टू हैव इज मिल्क एंड बनानास, जो कि आप करीबन 4 glass दूध और 6 banana तक मैक्सिमम खा सकते हैं. ये सुनने में बहुत टफ लगता है, स्पेशली फॉर मी जिसको मसाले नमक ये सब ज़्यादा पसंद है. तो मुझे हमेशा बहुत डिफिकल्ट लगता था, लेकिन इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट डाइट. आपको मिल्क और बनाना इतना फुल कर देगा कि आपको रियलाइज भी नहीं होगा. इनफैक्ट आपको जितना 6 banana अलाउड है आप 4 खाओगे 5 खाओगे, उसके बाद यू वोंट इवन नीड एनी मोर बनानास. द ओनली थिंग इज इफ़ यू फील के आपको सॉल्ट क्रेविंग है, तो आप एक खीरा काट के उस पर नमक और थोड़ा सा नींबू डाल के दिन में एक आध बार खा सकते हैं, जस्ट टू सेटिस्फाई योर सॉल्ट क्रेविंग्स. पर क्योंकि आप ये हफ्ते में एक ही बार कर रहे हो तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. तो आप ब्रेकफास्ट में भी 1 glass मिल्क और बनाना या मिल्क शेक बनाना डाल के ये खा सकते हो, एंड पूरा दिन ऐसे हफ्ते में एक बार फॉलो कर सकते हो. ये डाइट जिस भी दिन मैं करती थी, नेक्स्ट डे इमीडिएटली आई कुड सी 1 kg डिफरेंस इन माई वेट. ओके, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये डाइट न्यूट्रिशनली अगर आप देखो तो इट इज़ अ कम्प्लीट डाइट. मिल्क और बनाना आपको वो सब कुछ दे देते हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है. एंड सिंस वी आर नॉट डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो कुछ विटामिन्स या मिनरल्स अगर इसमें कम भी है तो इट डजेंट रियली अफेक्ट योर ओवरऑल हेल्थ. ओके, सो टिप नंबर 5. ये थोड़ा सा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इट इज़ बेसिकली अ लाइफ स्टाइल चेंज. अगर ये आप करते हो तो इट विल चेंज योर लाइफ स्टाइल फॉर गुड, एंड यू विल सी एन इमीडिएट एंड अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी. और आपको लगेगा भी नहीं आफ्टर अ पॉइंट कि इट्स अ डाइट, ये आपका लाइफ स्टाइल बन जाएगा. सो दिस इज बेसिकली कि वेन एवर यू ईट, तो कोई भी हाई कार्ब हाई कैलोरी फूड आइटम को यू रिप्लेस इट विथ अ हाई प्रोटीन लो कार्ब हाई फैट आइटम, जिसमें कैलरीज प्रोबेबली कम होगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होगी, इट विल बी टेस्टी एंड इट विल बी फ्रॉम योर नॉर्मल किचन ओनली, एंड स्टिल यू नो यू विल एंड अप लूजिंग वेट. सो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, आई गिव यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट थिंग इज वेन यू जो आप नॉर्मल रोज दाल खाते हैं. ओके, आई नो फॉर वेजिटेरियंस दाल इज लाइक द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, विच वी थिंक इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट एक्चुअली देर आर सो मेनी अदर सोर्सेज जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन देते हैं कंपेयर टू दाल विथ अ वेरी लो कार्ब और कैलोरी काउंट. ओके, सो सम ऑफ द थिंग्स आर, आप सोया इंक्लूड कर सकते हैं. सोया इज एन एक्सेप्शनल सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो यू कैन इंक्लूड सोया, यू कैन इंक्लूड स्प्राउट्स रोज, जो कि आपको फाइबर भी देगा प्रोटीन भी देगा. यू कैन और पर स्प्राउट्स को मेक श्योर दैट यू ऑलवेज बॉयल इट अ लिटल, वरना आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं. देन देर इज पनीर विच इज हाई फैट हाई प्रोटीन, देर इज टोफू. तो ये सारी आइटम्स है जो आप दाल के बदले खा सकते हैं. इन माई 2 months ऑफ डाइट आई वॉज ऑफ दाल. मुझे दाल राजमा छोले चने ये सब अलाउड नहीं था. देर वेर डेज जिसमें मुझे खाने दिया जाता था, विच वर बेसिकली उस दिन का डाइट उस हिसाब से होता था, लेकिन ओवरऑल ये सब चीज़ें मैंने अपने डाइट से हटाई हुई थी, कढ़ी भी हटाई हुई थी. तो ये हो गया. दूसरी चीज़ है वेजिटेबल्स जो आप बनाते हो घर पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेजिटेबल्स एसेंशियली आर सपोज टू बी वेरी फाइबर पैक्ड एंड लो कैलोरीज, लेकिन हम जो बनाते हैं और ज़्यादा खाते हैं वो वेजिटेबल्स ऐसे नहीं होते अनफॉर्चुनेटली. सो आलू हो गया, अरबी हो गया, मटर हो गया, इन सब चीज़ों में हाई शुगर होता है, हाई कार्ब्स होते हैं. दिस वे कम्प्लीटली आउट ऑफ माई डाइट. ओके, अब आपको लगेगा अगर आप आलू नहीं खाओगे, अरबी नहीं खाओगे, मटर नहीं खाओगे तो बचता क्या है. एक्चुअली देर आर सो मैनी वेजिटेबल्स, तोरी है, बैंगन है, भिंडी है, बीन्स है, लौकी है,
परवल है, ये सब वो वेजिटेबल्स है जो हम ज़्यादातर प्रिफर नहीं करते कि लाके बनाए स्पेशली और खाए, और कम खाते हैं कंपेयर टू द अदर वेजिटेबल्स. सो कम्प्लीटली मैंने अपने डाइट से वो 3 महीने के लिए हटा दिया था, एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट. और इससे दूसरा फायदा ये हुआ क्योंकि उस ड्यूरेशन में हमारे घर में सिर्फ यही सब्जियां बनती थी, तो अथर्व अपने इनिशियल स्टेजेस में जब खाना शुरू कर रहा था, टेस्ट डेवलप कर रहा था, ही डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर ऑल दिस वेजिटेबल्स जो बच्चे ज़्यादातर पसंद नहीं करते. तोरी हो गई, लौकी हो गई, बैंगन हो गया, करेला हो गया. तो इससे ये फायदा भी हो गया. इनफैक्ट आपकी पूरी, क्योंकि आपका किचन हैबिट्स ही चेंज हो रहा है, दिस विल हेल्प योर एंटायर फैमिली. मेरे हस्बैंड ने विदाउट बीइंग ऑन द डाइट, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंजेस दैट वी मेड, ही लॉस्ट अराउंड 10 kgs इन द सेम ड्यूरेशन, जस्ट बिकॉज हमारे घर में खाना ही ऐसे बनने लगा था. एंड ट्रस्ट मी, खाने का क्वांटिटी कम नहीं हुआ था, इट वॉज ऑल न्यूट्रिशन पैक्ड. सो दिस वॉज द होल सेट ऑफ टिप्स जो मैं आपको देना चाहती थी. मैं एक लिस्ट अटैच कर रही हूँ जो कि एक प्रोफेशनल डाइटिशियन ने दिया हुआ है, विच इज़ द लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, कि आपको क्या कट डाउन करना है कम्प्लीटली फॉर द ड्यूरेशन व्हेन यू आर ऑन अ डाइट, और क्या क्या खाना है. साथ में मैं एक सैम्पल डाइट अटैच कर रही हूँ नीचे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट. ट्राई फॉलोइंग इट, अगर इससे फ़ायदा होता है आपको तो मुझे ज़रूर बताइएगा. मैं वीट ब्रांड, सोया, इन सब के लिंक्स नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी, ताकि आप में से किसी को भी अगर खरीदना है तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है, अमेजोन पे आप जाके खरीद सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अच्छा लगा तो प्लीज़ लेट मी नो. अगर इस पे आपको कुछ आगे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और बाकी सब तो आप जानते ही हैं, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.